ये बात अभी समझ लोगे तो ज़िंदगी सुकून में रहेगी काफ़ी ES6 को लेके, वरना जावास्क्रिप्ट ऐसा रुलाएगी ना कि नानी याद आ जाएंगी। सही है। अच्छा गौर से समझो कि ये क्या चक्कर है। देखो कभी भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो होते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेरिएबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव, या उसको नेटिव बोल सकते हैं आप, यानी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सगे वेरिएबल, सगे। और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव, सौतेले वेरिएबल, जैसा कि एरे। एरे जो है वो जावास्क्रिप्ट का सगा वेरिएबल नहीं है, सौतेला है। अच्छा प्रिमिटिव वेरिएबल जो होते हैं, यानी सगे वेरिएबल जो होते हैं, वो उनको कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, कोर। अच्छा और कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्ट होते हैं असल में, ठीक है। तो ये एरे असल में एक कंस्ट्रक्ट है, ये इसका बिल्ट इन वेरिएबल नहीं है, इसको अलग से इस पर डाला गया है। सही है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो आप बाद में जाके स्टडी करेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा जो प्रिमिटिव वेरिएबल होता है ना, जब वो कॉपी होता है, अच्छा ये तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि वेरिएबल जो स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। अच्छा तो मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी में बहुत सारे बाइट हैं लाइन से पड़े हुए। अच्छा एक नंबर का वेरिएबल बनाया नम वन इक्वल्स टू 5, तो अब वो नम वन जो है वो एक्चुअली उसमें वो मेमोरी के अंदर 8 कंसेक्यूटिव बाइट उसने लिया हुआ है ना, और उसके अंदर वो बाइनरी की फॉर्म में सेव है। अच्छा जब भी मैं नम वन बोलूँगा उठ के आएगा, जब मैं वो ये बोलता हूँ ना उसको, मैं यहाँ पे नम वन बनाता हूँ, मैंने कहा कि भाई लेट नम वन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं ये इसको बोलूँगा ना जबकि लेट नम टू, अच्छा तो इतना लिखने से क्या होगा, नम वन ये इतना लिखने से क्या होगा, मेमोरी के अंदर ना नम टू के लिए एक अलहदा जगह बनेगी। सही है, नम वन तो छा जाओ वो अपनी जगह पे रहेगा, और नम टू के लिए एक अलहदा जगह बनेगी और उसमें नम वन से वैल्यू उठा के नम टू में डाल दी जाएगी। लिहाजा मेमोरी के अंदर ये नम वन और नम टू को अलग अलग 64 बिट मिल जाएंगे, क्योंकि 64 बिट का वेरिएबल होता है ये, 8 बाइट का होता है, तो 8 16 बाइट हो गए मेमोरी के अंदर, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ये है इसका बिहेवियर सगे वेरिएबल के साथ, आता ऐसे गले से लगाता है, आ मेरा बाबा अच्छा है। अच्छा फिर आते हैं सौतेले वेरिएबल, ठीक है। तो मेमोरी में जब भी आप कॉपी उसकी बनाते हैं ना नंबर टाइप के, अच्छा ये कौन कौन से सगे, नंबर बूलियन और स्ट्रिंग, ये तीनों बिल्कुल सगे हैं इसके। जब भी इन वेरिएबल को आप कॉपी करेंगे ना एक से दूसरे में, तो वो उसको करेगा कॉपी बाई वैल्यू, और मेमोरी में उसको अलग अलग दोनों को जगह मिलेगी और प्रॉपर जगह मिलेगी जितनी उसको चाहिए होती है। अच्छा फिर आप आ गए एरे पे, एरे को जब आपने बनाया तो मेमोरी में इसको जितनी जगह चाहिए थी ना, ये 3 कैरेक्टर 3 और 3 6 और 4 10, ये टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं, तो 10 कैरेक्टर का मतलब 20 बाइट, तो जब ये लाइन चली ना तो 20 बाइट की जगह मेमोरी में एलोकेट हो गई। और ये जो एरे था ARR, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर उस मेमोरी का एड्रेस मौजूद है, ठीक है, उस मेमोरी का एड्रेस मौजूद है। क्योंकि मेमोरी हमने देखा था कि अगर 4GB रैम है तो उसमें कितने बाइट हो गए, बिलियंस बाइट थे उसके अंदर, तो उन बिलियंस बाइट में से ना कहीं एक उसका एड्रेस है, जाहिर है हर बाइट का एक एड्रेस है जो हेक्साडेसिमल में उसको डिफाइन किया जाता है, वो हमें नजर नहीं आता, अंडर द हुड चल रहा होता है, तो उसमें से कोई एक एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है ARR में। अच्छा अभी तक तो ये कोई इसने कोई इसके साथ गलत नहीं किया, अभी तक तो ये वही हो रहा है जो नंबर में होता है। नंबर में भी यही होता है भाई, दादा नंबर जहाँ पे सेव है उसका एड्रेस उधर होता है, वेरिएबल को पता होता है। अच्छा जब भी मैं उसका वेरिएबल का नाम लिखता हूँ console.log में लिख के, और मैं अगर नंबर का, जैसे ही मैंने console.log में आके ARR का नाम लिखा, तो ये ARR क्या रिटर्न करता है मुझे, कि जो भी इसमें वैल्यू करंट होती है वो रिटर्न कर देता है। तो वो रिटर्न कहाँ से करता है, वो एड्रेस से उठा के लाता है, उसको एड्रेस से उठा के ला के स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। तो नंबर के साथ भी यही होता है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक कोई सौतेलों वाला इसके साथ इसने रवैया नहीं किया। जैसे ही अब इसकी हम बनाते हैं ना कॉपी, तो क्योंकि ये सौतेला वेरिएबल है तो इसके लिए मेमोरी में अलग जगह नहीं बनाता,
ये क्या करता है, मिसाल के तौर पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेमोरी की लोकेशन थी 2351, ये मेमोरी की लोकेशन थी, इसके ऊपर ये था पड़ा हुआ ये पूरा का पूरा, तो ये 2351 को ना उठा के क्या करता है इसमें भी डाल देता है। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि मेमोरी के अंदर एक ही जगह एलोकेट हुई भी होती है, जो भी 32-38 बाइट जो भी है, और उसी जगह का एड्रेस ना दो वेरिएबल को दे दिया जाता है। अब यहाँ पे हो गया ये अच्छा, मगर इसका एक फ़ायदा है, इसका एक फ़ायदा ये मेमोरी एफिशिएंसी मिलती है इससे, मेमोरी एफिशिएंसी मिलती है इससे हमें कि वेरिएबल तो हो जाते हैं दो लेकिन जगह एक ही रहती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये बिहेवियर है। जी दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, रैम में एक ही जगह है, रैम में इसकी जगह डुप्लीकेट नहीं हुई। अगर ये 38 बाइट था ना, कितना था ये, 3, 3, 6 और 4, 10, 20 बाइट था ये एक्चुअली, है ना, 10 कैरेक्टर है तो 20 बाइट है, तो 20 बाइट ही रहेगी जगह मेमोरी में। जब मैं इसको कॉपी बनाऊंगा ना तो 20 से 40 नहीं होगा, ये अलग जगह नहीं देगा इसको ये। इवन दो कि इसकी मैं 3, 4, 5, 6, 10, 12 भी कॉपियाँ बना दूँ ना, तो वो 20 का 20 ही रहेगा, वही एड्रेस सबको बांटता रहेगा ये जावास्क्रिप्ट। ये है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एरे के साथ, यानी कि नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल के साथ। अभी नॉन प्रिमिटिव एक और रहता है ऑब्जेक्ट, उसमें भी यही होता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसको हम कहते हैं, वो जो नंबर मतलब कॉपी बाई वैल्यू मैंने वर्ड यूज़ किया था, ये होता है कॉपी बाई रेफरेंस। ये वाला जो तरीका है ना, रेफरेंस कहते हैं एड्रेस को, रेफरेंस एड्रेस को कहते हैं, तो एड्रेस कॉपी हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है। तो जो सगे वेरिएबल में कॉपी बाई वैल्यू, सौतेले वेरिएबल में कॉपी बाई रेफरेंस। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है डीप कॉपी शैलो कॉपी, आपने जो वर्ड यूज़ किया था। जो डीप कॉपी है मतलब कॉपी बाई वैल्यू जो होता है ना, नंबर और स्ट्रिंग में जो होता है वो डीप कॉपी होता है, उसमें दोनों वैल्यू को कॉपी किया जाता है, ये होता है शैलो कॉपी। ये भी एक टर्म यूज़ की जाती है लेकिन आमतौर पर रेफरेंस का वर्ड यूज़ होता है। ये शैलो कॉपी डीप कॉपी बहुत कम जगहों पर यूज़ होता है, दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कॉपी होने के ना दो अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब इसका करें क्या, हमें तो चाहिए दो इंडिपेंडेंट कॉपी, और ज़रूरत पड़ेगी ना दो इंडिपेंडेंट कॉपी की, तो उसके लिए इसको कॉपी करने का जो तरीका है ना, ये वाला एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग। सही है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। तो इसको मैं कर दूंगा कॉमेंट, और अब मैं इसको करूँगा क्लोन, मैं करूँगा कॉन्स्ट कॉपी इक्वल्स टू नया एरे। सही है, नया एरे बना दिया मैंने एक, और मैं इसके अंदर अब हाथ से वो तीनों वैल्यू लिखूंगा। ये है इसको कॉपी करने का तरीका, इसको क्लोन करने का तरीका, ठीक है। हाथ से लिखूंगा ऐसे में कार, बस और बाइक। सही है, ये हो गया क्लोन। अच्छा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, सही है, बता देता हूँ शॉर्टकट, मजाक कर रहा हूँ मैं। हाथ से तो, हाथ से लिखने में तो वो फिर प्रोग्रामेटिकली करना है ना हमें, तो वरना तो हाथ से फिर कंप्यूटर के अंदर हमें बंदा बिठाना पड़ेगा एक, जो हाथ से इसको कॉपी करेगा एक दफ़ा, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, तीन दफ़ा डॉट लगाते हैं और ARR लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाला तरीका, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये ऊपर जो ये ARR है ना, इसकी वैल्यू एक एक करके उठाता है और हाथ से यहाँ पे लिख देता है, जैसे मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, जितनी वैल्यू उतनी दफ़ा वो कॉमा कॉमा लगा के लिख देता है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे मैंने अभी हाथ से टाइप किया था। हाँ, जितनी ऊपर तीन है तो तीन दफ़ा लिखेगा तो तीनों वैल्यू उसमें आ जाएगी, लेकिन अब की बार ये बना है इंडिपेंडेंट वैल्यू। जी, डॉट तीन दफ़ा, हमेशा तीन डॉट। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि अगर ये दो हो जाए, अगर ये दो वैल्यू हो जाए तो डॉट क्या स्टिल तीन रहेगा? हाँ, डॉट तीन रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर है। जैसे प्लस प्लस जो होता है ना दो, तो वो तीन प्लस प्लस नहीं लगा सकते आप, पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है या प्री इंक्रीमेंट, तो प्लस उसमें दो ही रहेगा, तीन प्लस वाला ऑप्शन नहीं होता। तो इसी तरह इसमें डॉट हमेशा तीन रहेगा, चार वाला या दो वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी इत्तफाकन दो वैल्यू, तीन वैल्यू और तीन डॉट लगे हुए, तो सवाल अच्छा पूछा आपने। जी, और किसी का कोई सवाल? अब जो अब की बार ना, अब इसको मिलेगी नई जगह। क्यों नई जगह? इसलिए क्योंकि मैंने कॉपी को बोला है कि कॉपी इज़ अ न्यू एरे,
ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो इसमें कुछ मजीद वैल्यू भी डाल सकता हूँ। मैंने कहा वो तीन रखो कॉमा डाल के, मेरी भी एक दो रखवा दो, ठीक है ए बी सी रखवा दो मेरा एक और, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो तीनों ऊपर वाला, और ये कॉमा डाल के मेरी भी एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दिस इज़ अ न्यू एरे, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड एरे। आप नोट कीजिए, पहले जब मैं कर रहा था ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का इसमें कोई जिक्र नहीं था। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का जिक्र नहीं होने का मतलब क्या है? कि ये नया एरे नहीं है, है ना। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है कि नया एरे, ठीक है। तो जैसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट देखेगा ना जावास्क्रिप्ट, तो इसको ये मेमोरी के अंदर ये एक नई जगह एलोकेट कर देगा। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। इसको कॉपी नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है ना। इसको डीप कॉपी बोलते हैं, ना इसको कॉपी बाई वैल्यू बोलते हैं। ये इसका टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है क्लोनिंग, ठीक है। आपने ये टर्म याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है आपने। स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, यही काम जो ई एस फाइव में होता था, ई एस फाइव क्लोनिंग, ठीक है। वैसे तो ई एस फाइव बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि ये काम ई एस फाइव में भी हो जाता था। तो उसके लिए हम करते थे एरे डॉट कॉनकैट, ठीक है। अच्छा, मैं अलग से दिखा देता हूँ, बल्कि ये छोड़ो, इसको हटा दो, ठीक है। मैं जाके लिखूँगा यहाँ पे एरे क्लोनिंग, एरे क्लोनिंग जावास्क्रिप्ट। अरे भाई, स्टैक ओवरफ्लो, सही है। अच्छा, ये नौ तरीके हैं टोटल एरे को क्लोन करने के, डॉट कॉनकैट, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, एरे डॉट स्लाइस, स्प्रेड ऑपरेटर जो हमने पढ़ा है अभी वो वाला, ठीक है, जेसन डॉट पार्स करके भी हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो एक तो ये कॉनकैट वाला है जो यूज़ करते थे, और अभी ये ई एस सिक्स में स्प्रेड ऑपरेटर है। ई एस सिक्स वाला जो है वो निस्बतन आसान है, तो बस कोई एक भी आपको आता हो तो काफ़ी है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि अच्छा यार, अगर इंडिपेंडेंट कॉपी बनानी तो क्लोन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और सवाल है, चलो ये वाला सवाल मैं ऑब्जेक्ट में पूछूंगा। एक और सवाल मेरा ये है बाय द वे कि कॉन्स्ट करने से इसमें चीजें ऐड क्यों हो रही हैं? उसको तो होना नहीं देना चाहिए था, ये क्या, ये चक्कर क्या है? मैं सोच रहा था वैसे ऑब्जेक्ट में पूछ लूँ, लेकिन चलो अभी तो है हमारे पास टाइम, है 5 मिनट का। चलो ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ मिसाल के तौर पे। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट है ना, ये अब कॉन्स्ट है। अब ये ARR किया मैंने, डॉट पुश किया इसमें, और पुश करके मैंने इसमें ट्रक डाल दिया, सही है, ट्रक डाल दिया। तो ये अब ट्रक चला गया इसमें, और ये कॉपी में भी ट्रक शामिल होगा, आके देख लेते हैं। ये ट्रक आ गया लास्ट में, ये तो कॉन्स्ट, ये भी कॉन्स्ट है, और इसका जो कॉपी है वो भी कॉन्स्टेंट है। तो ये तो पुश नहीं होना चाहिए इसमें असूलन, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल तो उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो चेंज नहीं होता, हमने तो शुरू से यही पढ़ा है। और नंबर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अगर कॉन्स्टेंट हो तो बस वो एक लाइन में यहाँ जो लिख दिया वो लिख दिया, अगली लाइन में उसमें आप कोई भी चीज़ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, है ना। नहीं, नॉन प्रिमिटिव का चक्कर नहीं है ये चक्कर कल जो पढ़ा था ना हमने क्लास में, जो कि मेमोरी में वेरिएबल सेफ कैसे होते हैं उससे ताल्लुक है इसका, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ लास्ट आपको। हमने एरे का क्या क्या सीख लिया आज? नंबर एक, एरे बनाना सीख लिया। नंबर दो, एरे को मॉडिफाई करना सीख लिया। नंबर तीन, एरे को एक्सेस करना भी सीख लिया हमने, जो नेस्टेड वेस्टेड सारा देख लिया हमने। नंबर चार, हमने एरे को क्लोन करना देख लिया, ठीक है। नंबर चार या नंबर पाँच, खैर जो भी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और है कि एरे के ना कुछ मेथड्स होते हैं, सही है, एरे के मेथड्स होते हैं कुछ। अब वो दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से होते हैं, वो आप लोगों ने गो थ्रू खुद से करना है। अच्छा, एरे मेथड्स, ये मैं आ गया भाई, W3 स्कूल खुला हुआ है। अच्छा, बुक में भी आपका चैप्टर है एरे मेथड्स के नाम से, ठीक है। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है किसी ने तो आपने देखा होगा वो चैप्टर। नहीं पढ़ी है बुक, कैसे प्राउडली बता रहा है, नहीं पढ़ी है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अच्छा, आपने पढ़ी है, गुड यार, तो इनसे इंस्पिरेशन लें भाई। ये पढ़ रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं पढ़ रहे बाकी? एक ही बंदा बुक पढ़ रहा है इस क्लास में। अच्छा, तो
देखो इसमें क्या है, टू स्ट्रिंग करके एक है, ज्वाइन करके एक है मेथड। अच्छा मेथड किसको कहते हैं, मेथड इसको कहते हैं कि डॉट करके वो वाली चीज़ जो सिर्फ एरे पे डॉट करके लगती है। मिसाल के तौर पे एरे की आपको लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए एरे डॉट लेंथ, लेंथ बता देता है वो। ठीक है, ये तो हम अभी यूज़ करेंगे अभी इंशाल्लाह, अभी फॉर लूप अगला टॉपिक है हमारा, उसमें ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन ये मैं आपको वैसे ही इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मेथड्स भी हैं। ठीक है, एरे डॉट पॉप, पॉप से क्या होता है कि एरे में जो भी मौजूद है आइटम है, जैसे इसमें चार आइटम मौजूद हैं तो मैं इस एरे पे डॉट पॉप लगाऊंगा ना तो लास्ट वाला एक आइटम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने पुश आपके सामने चलाया, एरे डॉट पुश, एरे डॉट पुश का काम क्या होता है कि एरे डॉट पुश करके मैं जो भी बात लिखूंगा ना इसमें, मैंने लिखा ट्रक, तो ये एग्जिस्टिंग एरे के लास्ट में जाके वो उसको ऐड कर देगा। तो ऐड और रिमूव ये दोनों हो गया। ठीक है, सेम। अच्छा पॉप में जो है वो ये नहीं लगेगा अंदर, पॉप में सिर्फ ये दो ब्रैकेट लगेगी, सही है, क्योंकि ए डबल आर तो नाम है ना, वो तो कोई भी नाम रख लो आप। मैंने एस नहीं लगाया क्योंकि ए आर आर से ही पता चल रहा है कि ये एरे है, इसलिए, वरना आमतौर पे एरे के नाम में एस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉप पता चल गया, पुश पता चल गया, और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पुश देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बना के दिखाई हुई है, पॉप की भी एग्जाम्पल बना के दिखाई हुई है, हर चीज़ की एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। शिफ्टिंग एलिमेंट, अब शिफ्ट एक तो है पुप और पॉप और पुश, वो लास्ट में चलता है, सेम चीज़ है शिफ्ट और अनशिफ्ट, दो चलती है शुरू में। ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या है कि शुरू वाले जो पहला एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा वो। अच्छा, इसी तरीके से जो अनशिफ्ट है, अनशिफ्ट क्या करेगा, शुरू में ला के ऐड कर देगा। पुश तो लास्ट में करता है, ये शुरू में कर, तो शुरू से और आखिर से दोनों जगह से आप आइटम को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिंक लिस्ट, एक स्टैक होता है और एक क्यू होता है, ये दोनों है इसके अंदर, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जस्ट उनके लिए कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, और बुक में लिखा हुआ है सब, बुक में लिखा हुआ है सब, जब भी तो मैंने बोला था बुक पहले से पढ़ के आया करो भाई। अगर मेरी इस क्लास में आप अगर बुक पहले से पढ़ के नहीं आएंगे ना तो क्लास ऐसी ही चलेगी ढीली ढाली फारिग। मेरी क्लास में अगर आपको एंटरटेन होना है ना, अच्छे से चीज़ों को समझना है तो बुक पहले से पढ़ के आओ, पूरी बुक पढ़ के आओ, एटलीस्ट जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ के आओ। अभी हम लोग सीनियर क्लास है ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बुक रीडिंग कहते हैं, खड़े हो रीडिंग करो, एक रीडिंग करता है फिर एक पैराग्राफ फिर दूसरा रीडिंग करता है, बच्चों के साथ होता है वो, है ना। आप तो सीनियर क्लास है सारे, तो मेरी क्लास में अगर आपको अच्छे से इन्जॉय करना है और क्लास का पूरा फ़ायदा उठाना है तो बुक पढ़ कर आए, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बुक में, अब देखो ये अभी जो मैंने ये सारी बातें की हैं ये बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, समझ रहे हो, ये बुक वाला कंटेंट नहीं है। बुक में क्यों रखेंगे ये चीज़ें, वो बुक में तो उनका मेन मकसद ये होता है कि एरे बनाना तो सीख जाए बंदा, जस्ट उनका मकसद पूरा हो जाता है जब एरे बनाना सीख जाए तो, या कोई बहुत ही डिस्क्रिप्टिव किस्म की बुक होगी 1000 पेज वाली, तो फिर वो तो बुक आप देखते ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, है ना, ये वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, दरमियान से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो एरे पे डॉट लेंथ लगाओगे तो ये लेंथ अपनी बता देगा। मिसाल के तौर पे तीन एलिमेंट है अगर एक एरे में, तो 0, 1, 2, तो लेंथ वो क्या बताएगा, 3 बताएगा। ठीक है, 0 बेस नहीं बताएगा, 1 बेस बताएगा। ठीक है, इंडेक्स उसमें 0, 1, 2 होंगे, लेकिन लेंथ जब मालूम करोगे तो लेंथ 3 होगी, सही है। एरे डॉट डिलीट भी चला सकते हो, ठीक है, ऐसे करके डिलीट कर सकते हो दरमियान से कोई भी आइटम। एरे को मर्ज कर सकते हैं डॉट कॉनकैट से, एक एरे के ऊपर डॉट कॉनकैट लगाए और एक दूसरा एरे दे दो, दोनों एरे जुड़ जाते हैं ऐसे, आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये सब कुछ, ये करके देखोगे तो पता चलेगा। ये तो मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तीन, इसने तीन एरे को ना ऐसे यू जोड़ा है, मर्ज किया है कॉनकैटिनेट के मेथड से, ठीक हो गया। अच्छा, एक है स्प्लाइस, एक है स्लाइस। दरमियान से कोई चीज़ डिलीट करनी हो या कोई चीज़ दरमियान में डालनी हो तो वो इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो एरे को शुरू से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आखिर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दरमियान से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेथड, एरे मेथड बुक में चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो एरे को आप कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, शुरू से, आखिर से या दरमियान से, ये आ गया स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है जी, तो किसी का अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकता है वो।
अदरवाइज फिर हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। और आपके लिए सवाल मैंने छोड़ा है कि ये कॉन्स्ट होने के बावजूद ये इसमें पुश और पॉप क्यों चल, ये मेथड सारे इसमें चल क्यों रहे हैं, इसको तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, कॉन्स्ट है तो ये, तो ये सवाल है, ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़े जा रहा हूँ मैं आपके लिए। जी नहीं, रेफरेंसिंग से तो काम हो रहा है, लेकिन सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इंडिपेंडेंट कॉपी बनाएं, तो उस टाइम आपने क्लोनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लोनिंग की। ठीक है, चलिए जी।